50 है, मतलब इस तरह के टू टाइप्स की कॉर है। टोटल एन इंटरसेक्ट सॉरी यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या है 500 है, ठीक है। और एन ए इज इक्वल टू 400 है, एन बी इज इक्वल टू 200 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50 है। तो हम फार्मूला यूज करते हैं यूजिंग फार्मूला एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि ये है 400, ये 200 माइनस ये 50, 600 माइनस 50 550 हो गया। ए यूनियन बी 550 है और यहाँ पर यूनिवर्सल 500 है। तो ये अभी हमने बताया था कि किसी भी अगर वेन डायग्राम में ये आपका यू है और ये दो सेट है ए और बी, तो ए यूनियन बी जो होता है इससे हमेशा लेस होता है या इसके इक्वल होता है। बट ए इंटरसेक्शन बी इज लेस इक्वल देन एन यू, या तो इसके बराबर हो और या और ये क्या है, मतलब ए यूनियन बी जो होगा ये यूनिवर्सल सेट से कम या इसके इक्वल होगा, मतलब ये इसकी जो क्वांटिटी है एलिमेंट है इसके बराबर होंगे या इससे कम होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है 550, व्हिच इज ग्रेटर, ये ज़्यादा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल सिंस एन ए इज ग्रेटर देन एन यूनियन वी, which is not possible so this given data is incorrect। समझ में आ गया कि जो डाटा दिया है ये गलत है। ये जो है हमेशा इसके इक्वल होता है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन कि जो हमारा यूनियन होता है या तो इसके इक्वल होगा या इससे कम होगा, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है वो इससे ग्रेटर आ रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये डाटा इनकरेक्ट है। ओके okay?